नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी लोग बेहद ही स्वस्थ और बेहद ही अच्छे होंगे। दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों में 28, 29 और 30 जुलाई 2022 से, जी हाँ दोस्तों, ऐसे में से बदनामी का बोझ उठाना पड़ेगा। दोस्तों अब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। दोस्तों अब आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जी हाँ दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान और आने वाले या 3 दिनों में आप लोग ऐसा कोई भी कार्य बिल्कुल ही ना करें जिनसे कि आपको बदनामी का बोझ उठाना पड़े। तो दोस्तों या 3 दिनों में आप लोग जो भी कदम उठाएंगे एकदम सोच समझ कर और सावधानी के साथ ही उठाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों या 3 दिनों में आप क्या करें क्या ना करें, किन चीज़ों से बचना होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए इसमें भाग्यशाली होंगे, आपको इसमें किन किन क्षेत्र में फ़ायदा होगा तो वहीं किन किन क्षेत्र में आपको नुकसान भी होने वाला है। दोस्तों ऐसे में आपको किन किन बातों को भी अपने जीवन काल में ध्यान रखना होगा। दोस्तों 3 दिन में आपका लव लाइफ कैसे रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, वह आपकी स्वास्थ्य कैसे रहेगी और दोस्तों करियर उद्धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यक्त होंगी, दोस्तों घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा। दोस्तों इन सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले केवल भगवान शनिदेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में प्रेम से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों भगवान शनिदेव का सिद्ध आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा और आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुश्मन तत्व मौजूद है उन सभी का सफाया भी होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों हमारे गुरु जी कहते हैं कि जिस शरीर से परमात्मा की सेवा करते हो उसे गंदा मत करो, जिस नज़र से परमात्मा का दीदार करते हो उसे नेक और पवित्र रखो, जिस कानों से परमात्मा की मीठी वाणी सुनते हो उनमें अपवित्रता मत डालो, जिस मन को ध्यान में लगाते हो उसे दुनिया के ख्यालों में मत लगाओ, फिर देखो उसकी रहमत की कैसी बारिश होती है। दोस्तों आप लोग हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो फिर भी तारीफ उसकी खुशबू की ही होती है। ठीक उसी तरह से इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो कदर उसके गुणों से ही होती है। दोस्तों की जीवन में अच्छी बातें कहने से ज़्यादा अच्छे कर्म करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं बल्कि देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों गुरु जी की यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा हो, यह बातें आप लोगों को सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों गुरुदेव के सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों में आपको क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं और यह इसमें आपको किन किन क्षेत्रों में भी सावधानियाँ रखनी होगी, यह इसमें आपको कौन से कार्य करने से भी बचना होगा और कौन से कार्य आपके लिए इसमें भाग्यशाली साबित होंगे। दोस्तों आइए पूरी जानकारी बात करते हैं विस्तार पूर्वक से। दोस्तों यह समय की शुरुआत में ही करियर कारोबार में मनचाही जहां प्रगति होती नजर आएंगी तो वहीं भविष्य में होने वाली नई चुनौतियां आपकी चिंता का बड़ा कारण भी बनेगी और यह समय मसलन नौकरी में मनचाहा प्रमोशन हो जाने के बाद आपकी सुविधा में कमी और जिम्मेदारियों की बढ़ोतरी होना या फिर व्यवसाय में मनचाहा लाभ होने के बाद भी कारोबार को आगे बढ़ाने में अड़चने आना आपकी चिंता का बड़ा कारण भी बनेगी और वहीं यह समय के मध्य में संतान पक्ष से जुड़ी कोई भी खबर आपकी खुशियां और मान सम्मान को बढ़ाने वाले साबित भी होगी और यह समय किसी व्यक्ति विशेष की मदद से सरकारी फाइलों में अटके काम आगे भी बढ़ेंगे और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में यह विरोधी पक्ष कोर्ट से बाहर मामला सुलझाने की पेशकश भी कर सकते हैं या फिर फैसला आपके हक में भी आ सकता है। यदि आप यह व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको यह समय के उत्तरार्ध में जोखिमपूर्ण निवेश से भी बचना चाहिए
और इस दौरान आपको धन से जुड़े मामलों में किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना होगा, अन्यथा आपको बड़ी आर्थिक चोट भी लग सकती है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो उसे सोशल मीडिया के माध्यम से जग जाहिर करने से बचें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और यश में वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने व्यस्तम समय में कुछ समय जीवन साथी के लिए भी निकालें और उसकी भावनाओं की आप कदर भी करें। और दोस्तों, यदि आप यश में अच्छी कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यश में आप लगभग किसी को भी अपनी बात से सहमत कर सकते हैं और घर में कुछ मामले अचानक आपके सामने भी आ सकते हैं। यश में आप थोड़ा समय अकेले में ही बिताएं आपके लिए अच्छा रहेगा और आप सहयोग और समझौते करने का पक्का इरादा करके ही घर से निकले। ऑफिस या फील्ड में आपको किसी न किसी मामले में कोई समझौता भी करना पड़ सकता है जो आने वाले दिनों में आपके फेवर में होगा। और दोस्तों, यश में आपके पास धन की वृद्धि भी होगी और स्थिति में सुधार भी होगा। आप सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद भी लेंगे और नई अधिग्रहण भी हो सकता है। सामाजिक रूप से आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और अपने बच्चों की प्रगति से आप खुश भी रहेंगे। अपने विरोधियों पर विजय से आपकी संतुष्टि भी बढ़ेगी और धन का अनियमित प्रवाह आपको तनावपूर्ण भी बना सकता है, किंतु इस पर पार पाने के लिए उधार लेना कम करें। और दोस्तों, यश में आप जोश में आकर किसी से कोई वादा बिल्कुल ही ना करें। कोई नज़दीकी रिश्तेदार आपकी मदद को आगे आएगा और किसी भी चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करने के लिए आपको अपनों की मदद व मार्गदर्शन की जरूरत भी पड़ेगी और जीवनसाथी के साथ एक आरामदायक दिन भी बीतेगा और भौतिकता के आधार पर थोड़ा असंतोष भी आज हो सकता है। यश में आप वाहन चलाते सावधानी रखें, उच्च अधिकारियों अपने प्रसन्न भी रहेंगे और जीवनसाथी की सलाह से आपका काम भी यश में बनेंगे। और यश में जरूरत से ज़्यादा बाहर का खाना खाने से पेट संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यश में आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे और आपके साथ सब कुछ होगा। और यश में परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेगी और आपका कोई खास काम यश में माता पिता की मदद से भी पूरा हो सकता है। यश में आप मंदिर में रुई की बत्ती और घी चढ़ाएं, माता पिता का सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा।